बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बैग यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? भुना भुना मसालेदार स्पाइसी सा आज हम भेजा फ्राई बनाएंगे, जो कि हर कोई नहीं खाता है, लेकिन मेरे घर में खाया जाता है। सुबह ने बना लिया। ये देखिए, 2 महीने भेजे ले लिए, इन भेजों को उबाल लिया है। जैसे कि उबालने के लिए रखा है, इसमें 2 से 3 उबाले आए तो हमने इस भेजे को उतारना है। उतारने के बाद, ठंडा करने के बाद, इसके अंदर बारीक बारीक वेने होती हैंगी, वो तमाम वेने निकाल लेना है। नसें होती हैंगी, वो निकाल लेना है अच्छे से, ठीक है। पहले धोना है, वॉश करना है, फिर इसकी वेने निकाल देना है। अब हमने क्या करा, दो महीने बड़ी प्याज ले ली, ज़ीरा ले लिया, पिसा हुआ धनिया ले लिया है मैंने, पिसी हुई हल्दी ले ली, पिसा हुआ धनिया 1 स्पून लिया है मैंने, हल्दी आधी स्पून और कुचली हुई मिर्च 1 स्पून, 2 अदद मैंने प्याज टमाटर ले लिए, हरी मिर्च ली, अदरक लहसुन लिया और नमक लिया। बस ये तमाम चीज़ें इसके अंदर डलेंगी, जो कि बहुत मज़ेदार सा बन के तैयार हो गई। ये देखें, अब ऑयल के अंदर सिर्फ मैंने प्याज रख दिएगी, और जब तक प्याज का कलर नहीं चेंज हो जाता, जब तक हमने कुछ और इसके अंदर ऐड नहीं करना, लेकिन प्याज का कलर पूरा चेंज करना है हमने। अच्छे लोग बकरा ईद पे ही भेजा फ्राई बनाते हैंगे, लेकिन हम लोग अक्सर अक्सर जब मूड होता है भेजा फ्राई बना लेते हैं, भेजा मगज़ बना लेते हैंगे, भेजे वाली नहारी बना लेते हैंगे। ये देख ले, इस तरीके से मैंने प्याज का कलर चेंज करना है। हाँ, प्याज का कलर चेंज होने में तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैंगे, और प्याज तो आजकल बहुत महंगी है, 200 रुपये किलो से कम कहीं प्याज नहीं है। अब इसके अंदर मैंने 2 अदद टमाटर काटे थे, दरमियाने किस्म के टमाटर थे, पिसी हुई मिर्ची, पिसी हुई हल्दी, पिसा हुआ धनिया मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर ही, और ज़ीरा भी इसके अंदर डालेंगे, नमक भी, हरी मिर्चें 3 से 4 हैं, ठीक है। अच्छे से इसको भूनेंगे, और टमाटर गलाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अंदर पानी भी डालना पड़ेगा। ये देखें, क्योंकि टमाटर गलने के लिए हमने लाजमी पानी डालना पड़ेगा, वैसे नहीं गलेगा। अब क्या करेंगे, इसको ढक के 5 मिनट के लिए तकरीबन छोड़ देंगे, सिर्फ 5 मिनट के लिए। ये देखें, अब थोड़ा बहुत हम और भून लेंगे। ये देखें, अच्छे से भून लेंगे ताकि टमाटर भी खुशक हो जाए इसके अंदर। ये मसाला मेरा तकरीबन भून चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर भेजा फ्राई डालेंगे, जो उबला उबाल के रखा है मैंने, और वेन सब निकाल लेंगे, वो भेजा इसके अंदर ऐड कर देंगे। 2 भेजे हैं मेरे, बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार बन के रेसिपी तैयार होती है, आसान भी है और बहुत मज़ेदार भी। और मैं उम्मीद करूँगी आपको यही रेसिपी सेम इस तरीके से बनाइएगा आप। अब ऑयल जब इसके ऊपर आने लगे तो समझ लेना हमारा भेजा फ्राई होके तैयार हो चुका है, लेकिन ऑयल आने में टाइम लगेगा इसमें।
ये देखें ऑयल आना शुरू हो चुका है। और माशाल्लाह से हमारा भेजा फ्राई भी हो चुका है। ये देख ले, जब ऑयल हमारा बिल्कुल सही तरीके से ऊपर आएगा तो समझ ले भेजा बनके तैयार हो चुका है। और ये भेजा भुना भुना ही अच्छा लगता है, इससे पानी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, तो लिहाजा आप भी भुना भुना ही बनाइएगा। ये देखिए मज़ेदार मेरा भेजा बनके तैयार हो चुका है, आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो पे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।